एक्सरसाइज 1.4 लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थ्री मैट्रिसेस गिवन है और इसमें ये दो प्रॉपर्टीयां यहां पे दी गई हैं जो हमें प्रूव करनी है। ये ए बी होल ट्रांसपोज बी टी इंटू ए टी और सेकेंड पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज सी टी इंटू बी टी। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट को लिखा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज। आप देखिए ब्रैकेट के जो इनसाइड में ए बी है पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो हमारा मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, मैंने ये ए मैट्रिक्स लिखा है, ये बी लिखा है और फिर ए और बी को मल्टीप्लिकेशन के मेथड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये ए बी की वैल्यू आ जाती है -10 -17 2 and 4। फिर इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, दोनों साइड्स पे टी जो सब सिंपल है लिखा। अब ट्रांसपोज में हमें पता है कि हम या तो रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। मैंने फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो बनाई है और जो सेकंड कॉलम है उसकी सेकंड रो बना दी। इस तरह ये मेरे पास आ गया ए बी होल ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू जो है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड को लिखा जो कि बी टी इंटू ए टी है। अब पहले मैंने यहाँ जो केवल ए बी मैट्रिसेस थे यहाँ से ए ट्रांसपोज फाइंड किया और ये बी से बी ट्रांसपोज फाइंड किया। कैसे कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। जब ये फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई। उसके बाद फिर बी टी और ए टी को पहले बी टी की वैल्यू लिखी है फिर ए टी की वैल्यू लिखी है और मल्टीप्लीकेशन के मेथड से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई बी टी की -10 2 -17 4। इसको हमने नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो वी कैन सी वी हैव द सेम वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है ये राइट हैंड साइड पे वैल्यूज जो है वो सेम है। जब एक जैसी वैल्यूज है तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी टी इंटू ए टी। अब देखें जो कि इस तरह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर वे के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिसेस ए बी है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ए और बी की जगह पे बी और सी मैट्रिसेस आ जाएंगे। सेम वे को आप फॉलो करें तो हम इजीली इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड।